हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीवीएस की रोनिन की ड्राइव टेस्ट करने वाले होंडा की CB50 RS के साथ। देखो दोनों वर्गों की पावर में काफ़ी फर्क है, वीडियो में आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही बताना चाहता हूँ ये रेस ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, भाई सेगमेंट काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। एक बाइक में 350 cc का इंजन है, एक बाइक में 225 cc का इंजन है, तो पावर में तो फ़र्क आएगा ही, लगभग कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई उससे, है ना। महंगी भी आती है, लगभग 2,50,000 के आसपास आती है, वो लगभग 2,00,000 में ऑन रोड आ जाती है। बेस मॉडल तो 2,00,000 से नीचे ऑन रोड आ जाता है, तो बाइक में से काफ़ी फ़र्क है। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किया था, कमेंट किया था। देखो फ़र्क तो है इंजन के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यार रोनिन टीवीएस की बाइक और टीवीएस परफॉर्मेंस में कभी भी पीछे नहीं रहती है, तो इस वजह से मुझे डाउट आ रहा है कि क्या पता CB50 RS को तगड़ा कंपटीशन ये बाइक दे सकती है। तो इस वीडियो में बाकी आपको आगे देखने को मिलेगा रेस का क्या रिजल्ट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, साथ ही आपको बताना चाहूँगा। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर रीजन पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। अभी अपनी ड्रैग रेस स्टार्ट करते हैं, और ड्रैग रेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोनों बाइकों के पावर स्पेक्स बता देता हूँ। CB50 RS के अंदर आपको 350 cc का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, और ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 20.8 bhp की, और उसके साथ ही 30 Nm टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है CB50 RS के अंदर। 5-speed गियरबॉक्स है, और असिस्टेंट स्लीपर क्लिच देखने को मिल जाती है CB50 RS के अंदर। यहाँ पर रोनिन की बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 225 cc का ऑयल कूलिंग इंजन देखने को मिल जाता है, ऑयल कूल्ड है ये इंजन। इसके साथ ही 5-speed गियरबॉक्स है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको देखने को मिल जाती है। पावर फीड की बात करी जाए तो 20.4 hp की पावर, और लगभग 19.93 Nm टॉर्क देखने को मिल जाता है, तो लगभग 10 Nm टॉर्क ज़्यादा है CB50 RS के अंदर। 10 Nm बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये देखना ये है कि कितना फ़र्क आता है बाइक के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बाइकों का कंपटीशन काफ़ी क्लोज रहेगा, और एक दूसरे को काफ़ी अच्छा कंपटीशन देगी, ऐसा लगता है मुझे। बाकी तो रेस में पता लगेगा क्या रिजल्ट रहेगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो CB50 RS नो डाउट अच्छी दिखती है बाइक दिखने में, लेकिन फ्रंट से भाई रोनिन ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। मतलब इसकी जो सस्पेंशन है, जो हेडलाइट है ना, थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगती है उसके कंपेरिजन में। ये थोड़ी बेसिक लगती है इसको देखने के बाद, मतलब अच्छा है। देखो इस बाइक के अंदर भी आपको शोवा के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक सिंपल, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको शोवा के अपसाइड डाउन शॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं 41 mm के। लगता है यार ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है साला फ्रंट से, ये थोड़ी कम लगती है इसको देखने के बाद। और ब्रेकिंग का भी थोड़ा फर्क है दोनों बाइकों के अंदर, इसकी ब्रेकिंग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके कंपैरिजन में, लेकिन इसकी भी नो डाउट बहुत ही तगड़ी ब्रेकिंग है, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। तो अभी रेस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। शुरुआत में मैं चलाने वाला हूँ रोनिन, और मन वही चलाएगा CB50 RS, और फिर नेक्स्ट राउंड करेंगे उसमें अपन राइडर स्विच कर लेंगे। मैं चलाऊँगा CB50 RS और मनु भाई चलाएगा रोनिन। रेस में फीलिंग तो अच्छी आती है नो डाउट, काफ़ी कमाल की फीलिंग आती है रेस के अंदर मुझे। तो भाई अभी तो टक्कर सी में है थोड़ी, लेकिन CB50 RS थोड़ा आगे निकल गई है। थोड़ा सा आगे, ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन टॉप एंड पे देखते हैं क्या आता है, टॉप एंड पे क्या रिजल्ट रहता है। टॉप एंड पर रोनिन करेगी कमाल, टेंशन ना लो भाई। अब टॉप एंड पे थोड़ा पकड़ रही है, विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा इस साइड, तो टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं जा पाएगी बाइक, लेकिन देखो अभी डिस्टेंस सेम बना हुआ है दोनों बाइकों के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि CB50 RS और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा रही है, सेम बना हुआ है। पकड़ तो नहीं पा रही है, लेकिन डिस्टेंस सेम बना हुआ है, और अगर रेस करने का कोई सेंस नहीं है, एक अटैम्प और करके देखते हैं। और अभी CB50 RS चलाएंगे तो समझ में आएगी और अच्छे से कि एक्चुअल में वो ज़्यादा फास्ट है या फिर वेट का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं चलाने वाला हूँ CB50 RS। यार इस बाइक में ना मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो बताइए क्या, यहाँ पे देखो हैंडल बार वेट की जगह ना प्लास्टिक के गुटके फंसा रखे हैं। यार क्या सेंस है भाई, अच्छे से वेट दे देते थोड़ा देखने में सही लगता है, और बाइक कभी गिर जाए तो थोड़ा प्रोटेक्ट भी कर लेता है, तो टूट जाएंगे यार गिरते ही। तो ये चीज़ें होनी थी यार, कहीं ना कहीं हर बाइक में छोटी मोटी कमी निकल ही आती है। परफेक्ट तो यार क्या ही बताऊँ, कुछ कुछ बाइक ही हो पाती है बिल्कुल परफेक्ट।
जैसे कि मेरी पुरानी वाली बाइक है जो मैं 10 साल से रख रहा हूँ भाई अपने पास, CBR है मेरे पास एक 250 2011 मॉडल, आज ही बहुत ही प्यार से रखता हूँ, बहुत ही अच्छी कंडीशन में बाइक, 1.5 लाख चली गई है वो। तो अब सेकंड राउंड करते हैं, वो पुरानी बातें छोड़ते हैं भाई पीछे, ठीक है। मैं GoPro थोड़ा सा सही सेट कर दूँ, भाई इनिशियल में रोनिन जैसे शुरुआत में जब मैंने आपको बताया था वेट का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो रोनिन आगे निकल गई है और अभी अब देखते हैं पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते हम रोनिन को। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पैंट दोनों बाइकों का सेम सा जाएगा, लेकिन अभी रोनिन को पकड़ रहे हम भाई, पकड़ लेगी आराम से। ये पकड़ लिया और अभी रोनिन पीछे चली जाएगी और फिर रोनिन का आगे आना नामुमकिन है। क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है फिर भी मैं आगे निकल गया किसी भी तृप्ति RS लेके, तो फिर तो क्या ही पकड़ पाएगी यार रोनिन। लेकिन यार इंजन में पावर का भी काफ़ी फ़र्क है, इस बाइक के अंदर पावर ज़्यादा है उससे, तो फ़र्क तो आएगा, लेकिन इनिशियल कहीं ना कहीं सेम है दोनों बाइकों का, क्योंकि मेरा लॉन्च भी थोड़ा सा मैंने हल्का रखा था इस बार, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस बाइक को चला नहीं रहा हूँ और काफ़ी दिन से नहीं चला रहा हूँ ना, तो थोड़ा क्लच को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी रोनिन के अंदर नई क्लच है उसके अंदर पुरानी हो गई है, तो क्लच थोड़ी लेट छुटी मेरे से, अभी और ज़्यादा रेस करने का कोई सेंस नहीं है। रेस करके आ चुके हैं और रिजल्ट क्या आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इनिशियल मुझे कहने के दोनों बाइक का समान लगा, मतलब शुरुआत में जब बाइक पिकअप पकड़ दिया तो लगभग 70-1 की स्पीड तक लगभग सेम सी रहती है, फिर ये मान लो थोड़ी सी प्लस है, आबू कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आबू का मतलब मैंने नाम निकाल रखा है इसका वैसे CB50 RS, तो हल्की सी प्लस है शुरुआत में तो, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है फिर आगे रह जाती है CB50 RS और रोनिन थोड़ी पीछे रह जाती है, लेकिन इनिशियल में कहीं ना कहीं रोनिन अच्छा तगड़ा कंपटीशन देती है। और जो सेकंड राउंड था अपना उसमें ना आबू थोड़ा शुरुआत में इसलिए पीछे रह गई थी क्योंकि भाई मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, मनु का वेट 55 मेरा लगभग 70, तो वेट का फर्क आ जाता है, और कुछ ना काफ़ी दिनों बाद मैंने CB50 RS को चलाया, तो क्लच रोनिन में काफ़ी दिनों से चला रहा, 6-7 दिन से कंटिन्यू रोनिन राइड कर रहा हूँ, तो क्लच उसकी बिल्कुल नहीं है और उसका उसकी थोड़ी आदत लग गई है, तो CB50 RS कहीं ना कहीं फिर भी आगे निकली जाती है, पावर है ज़्यादा तो दिखती भी है भाई रियल लाइफ में। तो वीडियो में बाकी यही था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, अच्छा लगता है जब आप लोग ये यार आप सभी इंस्टाग्राम अच्छा लगता है भाई जब आप सभी इंस्टाग्राम पे आते हो, कमेंट मैसेज वगैरह कुछ करते हो, भाई से कनेक्ट रहते हो, तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त रहो और खुश रहो यार।